हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। फिफ्थ में यहाँ तक कि लकड़ी भी अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की जंगली लकड़ियों का उपयोग भोजन पकाने की अग्नि के लिए किया जा सकता है, किंतु चंदन अत्यंत मूल्यवान है और यदि हमें उसका मूल्य ना मालूम होने पर हम उसका उपयोग चूल्हे में करते हैं तो इसी प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन का प्रयोग कुत्ते बिल्लियों के समान इंद्रिय भोग के लिए करते हैं तो वह आत्महत्या करने के समान है। होनालुलु, फिफ्थ में 1976। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद वाणी की जय। आप लोगों को धन्यवाद है क्योंकि साथ साथ में हरे कृष्ण महामंत्र का आप लोग जप किया। ये हरे भगवान और भगवान की शक्ति, जैसे राधा कृष्ण सीता राम लक्ष्मी नारायण भगवान और भगवान की शक्तियां वेद में है। नतस्य कार्यं करणं च विद्यते नतस्य समाधिकस्य दृश्यते परास्य शक्ति बिन्दैव श्रूयते स्वाभाविकज्ञान बल क्रिया। भगवान जो है उनको कोई काम करने का जरूरत नहीं है। जैसा हम लोग देख रहे हैं कोई धनी आदमी हो, कोई बड़ा आदमी हो, मिनिस्टर है, वो अपना हाथ से कुछ काम नहीं करते, बाकी उनको नौकर चाकर बहुत है। इसी प्रकार भगवान जो है उनको हाथ से कोई काम करने की जरूरत नहीं। नतस्य कार्यं करणं च विद्यते और नतस्य समः भगवान का समा, जैसे भगवान है ऐसा हम भी है। ये राक्षस ही प्रवृत्ति, भगवान का समान कोई है नहीं और भगवान से ऊंचा भी कोई है। नतस्य समः अधिकः, तो भगवान से नीचे है। तो ये जो राधा कृष्ण हरे कृष्ण ये भगवान से प्रार्थना है, ये हरा भगवान की शक्ति आप और हे कृष्णा हे भगवान आप दो मिल करके हमको आपकी सेवा में लगाइए। क्योंकि जीव का जो स्वरूप है वो भगवान के सेवा करने की, चैतन्य महाप्रभु बताया है जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दा। जीव का जो स्वरूप है वो भगवान का दास है, बाकी वो स्वरूप भूल करके ये भौतिक जगत में वो मालिक होने को चाहते, इसलिए ऐसा उनका दुख परास शक्ति मिल गई। तो ये भौतिक जगत में जो हम लोग है इसका नाम है बद्ध जी, ये भूल गया भगवान का नित्य दासत्व, भूल गया माया का दासत्व में उसको समय नष्ट हो रहा है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 1
श्लोक संख्या 10। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तो इदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीष्म द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन आगे कह रहा है, अभी द्रोणाचार्य के सामने खड़ा होकर कह रहा है। अब देखिए, भीष्म तो द्रोणाचार्य से सीनियर है, तो द्रोणाचार्य के सामने आके कह रहा है, बात कर रहा है, लेकिन अब भीष्म को भी तो लेना है ना, तो कैसे बात को घुमाया। बोलता है, हमारी जो सेना है वो भीष्म द्वारा रक्षित है, क्योंकि भीष्म सेनापति है। पांडवों की सेना जो है वो भीम द्वारा रक्षित है, हालांकि दृष्टद्युम्न सेनापति है पांडवों के, भीम नहीं। लेकिन दुर्योधन का तो फिर स्पेशल एक रस था ना, रिलेशन किसके साथ, भीम के साथ। इतनी ईर्ष्या करता था, उसको भीम को ही मारना था। तो यहाँ पे भीष्म का नाम ले रहा है कि भीष्म को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, सीनियर है, बुरा ना मान जाए, तो द्रोणाचार्य से बात करो, भीष्म बुरा मान गए तो चले जाएंगे। वैसे ही भीष्म और द्रोणाचार्य पे थोड़ा डाउट तो रहता था दुर्योधन का, क्योंकि हमेशा पांडवों को सपोर्ट करते थे, पांडवों से प्रेम करते थे। एक्चुअली भीष्म और द्रोणाचार्य पांडवों से नहीं, धर्म से प्रेम करते थे। हम अगर धर्म का पालन करेंगे पांडवों के पद चिन्हों पर चलते हुए, तो लोग अपने आप से स्नेह रखेंगे, प्रेम करेंगे। अब वो दुर्योधन को जमता नहीं था। लेकिन जब द्रौपदी का चिरहरण का प्रयास चल रहा था, भरी सभा में, असत सभाया, असत सभा में 20,000 वहां पे योद्धा बैठे थे, बीच में रानी को कपड़े निकालने का जो प्रयास किया, तब भीष्म ने कुछ नहीं बोला, द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं बोला। दुर्योधन को यहीं से कॉन्फिडेंस मिल गया कि ये दोनों उस समय भी नहीं बोलेंगे, आज भी कुछ नहीं, वचन दिया है ना दोनों ने। तो बोल रहे हैं कि हमारी सेना जो है वो अपर्याप्त है, अपरिमेय, और पांडवों की जो सेना है वो पर्याप्त है। तो कहने का मतलब है हमारी सेना जो है वो अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है, भीष्म द्वारा प्रोटेक्टेड है, अनलिमिटेड है। अपर्याप्तम, अपर्याप्तम मतलब लिमिटेड है, सीमित है। किनकी सेना? पांडवों की सेना। अब यही शब्दों को देखिए, पर्याप्त मतलब सफिशिएंट, मतलब भीम द्वारा रक्षित जो पांडवों की सेना है वो पर्याप्त है, वो सफिशिएंट है, मतलब जीत जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है, अपर्याप्तम, इनसफिशिएंट। पता ना, कभी कभी आप एटीएम मशीन में जाते हैं, कार्ड डालते हैं, पिन डालते हैं, 10,000 रुपया, उसे दिखाता है सॉरी इनसफिशिएंट बैलेंस, हाँ आपकी अपर्याप्त राशि है, पर्याप्त नहीं है, 10,000 नहीं निकाल सकते। वैसे ही दुर्योधन के मुख से निकल रहा क्या, हमारी सेना इनसफिशिएंट है, मतलब हम हारेंगे। तो दुर्योधन एक भ्रम में जी रहा था, हालांकि दुर्योधन की सेना ज्यादा थी, 1.5 गुना ज्यादा थी पांडवों से। 7 अक्षौणी पांडवों की थी, इनकी 11 अक्षौणी थी कौरव, लेकिन वजन उधर था ना। भगवान कृष्ण, 5 पांडव, सबके सब धर्मनिष्ठ। जीवन के युद्ध में टैलेंट और स्किल तो चाहिए, लेकिन धर्म के बिना टैलेंट और स्किल कोई काम नहीं। अगर आप योग करके योगी बन गए हैं, तपस्वी बन गए हैं, ध्यानी बन गए हैं, लेकिन अगर भक्ति कृष्ण की नहीं है तो कोई फायदा नहीं आपका, योग का, ध्यान का, तपस्या का, कोई लाभ नहीं। और अगर आप भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हृदय में कृष्ण को आपने बैठाया है, सेवा पूजा कर रहे हैं कृष्ण, तो आपको न योग की आवश्यकता है, न ध्यान की आवश्यकता है, न तपस्या की आवश्यकता, यही शास्त्रों का निष्कर्ष। तो अगर भगवान आपके साथ हैं, टैलेंट, स्किल्स, योग, ध्यान ये नहीं भी है और कृष्ण की भक्ति किया, तो आप जीत जाएंगे जीवन के युद्ध में। लेकिन अगर ये सब है, कृष्ण की भक्ति नहीं है, क्योंकि कृष्ण नहीं है तो कृष्ण की भक्ति नहीं है, तो ये डेड बॉडी को जैसे सजाते हैं ना, हा? कुछ कल्चर्स में ऐसा होता है जहाँ पे मृतक शरीर को बहुत अच्छे से सजा के फिर उसकी शव यात्रा निकालते हैं, क्या फायदा, अब वो मर गया, अब उसको कितना गहना पहना, कपड़ा पहना, उसको कुछ नहीं लाभ मिल रहा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखिए, इधर भले भीष्म हैं, द्रोणाचार्य हैं, अश्वत्थामा हैं, दुर्योधन है, कर्ण है, बहुत सारे लोग, उधर की गिनती गिन रहा है। ये दुर्योधन जो है ना, ये पक्का असुर है, और जो असुर लोग होते हैं ना, जो राक्षसी प्रवृत्ति, बुद्धि कम होती है, मूर्ख कहा जाता है,
ये मूर्ख है। क्यों? अरे कृष्ण को गिन ही नहीं रहा है, क्योंकि कृष्ण लड़ नहीं रहे। क्या फर्क पड़ता है? क्या कृष्ण को हथियार उठाने की आवश्यकता है? नहीं, कृष्ण को गिना ही नहीं दुर्योधन ने। अब कौन सा तुम स्ट्रैटेजिक थिंकिंग किया, बड़ा स्ट्रैटेजिक अलायंस किया, बहुत सारे पार्टियां गठबंधन किया, उधर स्टार परफॉर्मर खड़ा है। वही एक परफॉर्मर है और कोई परफॉर्मर ही नहीं है। वो कृष्ण अकेले वहां पे खड़े हो जाए तो बहुत है। अरे कितने असुरों को मारा, कम से कम दुर्योधन का थोड़ा सा हिस्ट्री तो होना चाहिए था। इसीलिए पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। दुर्योधन ने ध्यान नहीं दिया था, क्या करता था, भीम को कैसे मारूं, पांडवों को कैसे मारूं। अरे थोड़ा हिस्ट्री क्लास में ध्यान दो, कृष्ण ने क्या क्या किया है। छोड़ो पहले की लीलाएं, छोड़ो अगर आप नहीं भी मानते हो कृष्ण भगवान है तो भी कृष्ण ने कैसे कैसे असुरों को मारा है। कोई नहीं मार सकता ऐसे असुरों को कृष्ण ने। तो अगर हम भक्ति करें, हमारे जीवन में कृष्ण है तो सब है। यानी कृष्ण है तो कुछ नहीं हो के भी सब है आपके पास, और कृष्ण नहीं है सब हो के भी कंगाल है, क्योंकि सब खत्म होने वाला है बहुत। कृष्ण ही आपके साथ रहने वाले हैं, इसीलिए हम भक्ति करें, कृष्ण को अपने साथ लें। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ना है। आपके पास जो भी है, धन संपत्ति, परिवार, पुत्र पौत्र, जो भी है, सबको कृष्ण से जोड़िए, सब कृष्ण से जोड़िए, तब देखिए सबका बल बढ़ जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं सब जीरो है, लेकिन जीरो के आगे एक लग जाए। देखिए दो जीरो भी जीरो ही होता है, चार जीरो भी जीरो होता है, 50,000 जीरो भी लाइन चले गए तो भी जीरो ही होता है। ये भौतिक संसार ऐसे है, लेकिन अगर एक जीरो के सामने एक लग गया, 10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब जीरो बढ़ाते रहिए, वैल्यू बढ़ती रहेगी, क्योंकि एक स्थिर है वहां, वो एक कृष्ण है, बाकी सभी भौतिक संसार है। तो कृष्ण है तो सब है, कृष्ण नहीं है कुछ भी नहीं। हरे कृष्ण।